प्रिय छात्रों नमस्कार। बेटा अपना चल रहा था लेसन 7 वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन, जिसमें अपन ने बात की थी ट्रांसपायरेशन क्या है और इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन है वो कितने प्रकार का होता है और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। देखो बेटा, जो ट्रांसपायरेशन है, जो वाष्पोत्सर्जन है, क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो आज अपन बात करेंगे कि रंध्र की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो बेटा, जो रंध्र है क्या है, ठीक, एक तो आप जानते हो रंध्र, एक तो मैंने आपको एक शब्द बोला रंध्र, और बेटा एक बोला मैंने आपको छिद्र, ठीक। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो छिद्र है उसमें स्वतः ही बंद होने की व खुलने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात ये छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, निर्जीव होते हैं। जैसे मान लिया ये कैप है, ठीक है ना, ये कैप है, अब इसमें जो होल हो रहा है ये क्या कहलाएगा बेटा, छिद्र, ये रंध्र नहीं कहलाएगा। लेकिन आपकी त्वचा पर जो पाए जाते हैं, जिनसे पसीना बाहर निकलता है, वो वास्तव में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। पादपों के वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो बेटा द्वार या रक्षक कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। किसके द्वारा? द्वार या रक्षक कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रंध्र कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं रंध्र की परिभाषा क्या है, द्वार या रक्षक कोशिकाओं, द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल, या रक्षक कोशिकाओं से घिरे छिद्र को, किसको बेटा, द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए स्थान या छिद्र को अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो छिद्र होता है वो रंध्रीय छिद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ जो छिद्र है वो स्टोमेटल पोर या रंध्रीय छिद्र कहलाता है। परिभाषा समझ में आई? दो या दो से अधिक, प्राय दो द्वार कोशिकाएं होती हैं और द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए स्थान या छिद्र को क्या कहते हैं बेटा, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और जो छिद्र होता है, जो द्वार कोशिकाओं के मध्य में जो छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, रंध्रीय छिद्र, स्टोमेटल पोर कहलाता है। अब बात करते हैं द्वार कोशिकाओं के बारे में। देखो बेटा, ये द्वार कोशिकाएं हैं, क्या हैं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका जो आकार है वो अलग अलग होता है। यदि बात करें अपन किसमें, डाइकोट में, द्विबीज पत्रियों में, और यदि बात करें अपन एक बीज पत्रियों में, मोनोकोट में, बेटा जो द्विबीज पत्री जो पादप होते हैं उनमें जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं वृत्ताकार, किडनी सेप या अर्धचंद्राकार होती हैं। क्या होती हैं? अर्धचंद्राकार होती है। क्लियर?
कि द्विबीजपत्रियों में द्वार या रक्षक कोशिकाएं वृक्काकार या अर्धचंद्राकार होती हैं, जबकि एक बीज पत्रियों में, किसमें बेटा, जबकि एक बीज पत्रियों में जो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं वो बेटा डंबल शेप होती हैं, क्या होती हैं, डंबलाकार, डंबल शेप होती हैं। क्लियर है ना, रक्षक कोशिकाओं में, सॉरी द्विबीज पत्रियों में रक्षक कोशिकाएं वृक्काकार और एक बीज पत्रियों में कैसी होती हैं, डंबलाकार होती हैं। अब आप चित्र की सहायता से समझते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए स्थान या छिद्र को अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। देखो ये है एक द्वार कोशिका, आकार आपको दिख रहा है इसका कैसा है, किडनी से, और बेटा ये दूसरी द्वार कोशिका है, ठीक, दो द्वार कोशिका हैं, ये दोनों क्या है बेटा, गार्ड सेल, और इनके मध्य में ये जो स्टोमेटल छिद्र है इसको मिलाकर अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको मिलाकर क्या कहते हैं, इसको रंध्र कहा जाता है। क्लियर, अब सुनो, ये जो द्वार कोशिका है इनकी जो भीतरी सतह होती है वो थोड़ी मोटी होती है, कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है, जबकि जो भीतरी सॉरी बाहरी सतह है वो बेटा क्या होती है, पतली होती है। जो बाहरी सतह है वो कैसी होती है, पतली होती है। द्वार कोशिकाओं की भीतरी सतह मोटी, बाहरी सतह क्या होती है बेटा, पतली होती है। और इन द्वार कोशिकाओं में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और बेटा क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात जो द्वार कोशिका है वो जीवित कोशिका है, क्या है, जीवित कोशिका होती है। अब ये द्वार कोशिका एक या अनेक ऐसे सरीसेल या सहायक कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है बेटा, घिरी होती है। जो द्वार कोशिका है दो या दो से अधिक किससे घिरी होती है, सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है, और रंध्रीय तंत्रों का अनेक रंध्र मिलकर रंध्रीय तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब सुनो, देखो बेटा क्या होता है, जब जल इस इसमें प्रवेश करता है, अर्थात जो जल है वो किसमें प्रवेश करेगा, द्वार कोशिकाओं में, किसमें प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में। जल के प्रवेश करने से द्वार कोशिकाएं जो गार्ड सेल हैं वो बेटा क्या होती हैं, स्फीत होती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। अब जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो बेटा इसमें बाहर की सतह है वो पतली है, तो बाहर की ओर क्या होता है, खिंचाव होता है। जैसे मान लिया ये दो द्वार कोशिका है, ठीक, ये, और इनके मध्य में रंध्र उपस्थित है, स्टोमेटल रंध्र। बेटा ये बाहर वाली है सतह है, ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली मोटी है और बाहर वाली पतली है, हाथ की भी दिख रही है आपको। अब जब इसमें जल प्रवेश करेगा तो ये क्या होगी, धीरे धीरे इस प्रकार बाहर की ओर क्या होगा बेटा, खिंचाव होगा। अब इसमें भी इस प्रकार बाहर की ओर क्या होगा, खिंचाव होगा। अब देखो, जब बाहर की ओर खिंचाव होता है द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने से, द्वार कोशिकाओं के गार्ड सेल के स्फीत होने से बाहर की ओर खिंचाव हुआ, जब बाहर की ओर खिंचाव हुआ तो क्या होता है बेटा, रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने से रंध्र खुल जाते हैं, ठीक बेटा। अब सुनो, अब ये गार्ड सेल हैं, अगर मान लिया इनसे जल बाहर निकल जाए, क्या हो जाए, जो गार्ड सेल हैं
इनसे जल बाहर निकल जाए या जल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कोशिकाएं बेटा क्या हो जाती हैं, सलथ हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। और कोशिकाओं के फ्लैसिड होने से, जैसे मान लिया अब स्फीत अवस्था में है, ठीक, धीरे धीरे जल बाहर निकलेगा तो बेटा ये पुनः पूर्विक स्थिति में आ जाते हैं और अंत में रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अर्थात द्वार कोशिकाओं के सलत होने से रंध्र क्या हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। समझ में आया? रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र की संरचना मैंने आपको बताई ना, दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए स्थान या छिद्र को रंध्र कहते हैं। जो छिद्र होता है वो रंध्रीय छिद्र स्टोमेटल पोर कहलाता है। ये द्वार कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनमें जीव द्रव्य होता है, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक भी बेटा इनमें पाया जाता है। इनकी भीतरी सतह कैसी होती है, मोटी होती है, और बाहरी सतह कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और ये द्वार कोशिकाएं अनेक सहायक कोशिकाओं से, दो या दो से अधिक किससे बेटा, सहायक कोशिकाओं से। देखो ये क्या है, सहायक कोशिका, ये क्या है बेटा, गार्ड सेल, क्या है, द्वार कोशिका, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बनाइए आप इसे। अब सुनो एक बात और बताता हूं, ये जो सर्वाधिक रंध्र है मैंने आपको बताया था कहां पर पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक रंध्र होते हैं बेटा वो कहां पर होते हैं, लीफ में होते हैं, ठीक है ना, कहां पर होते हैं, लीफ में होते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि एक वर्ग सेंटीमीटर में, पर्ण के एक वर्ग सेंटीमीटर में रंध्रों की संख्या 100 से लेकर कितनी हो सकती है, 60,000 तक हो सकती है, ठीक है बेटा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में। रंध्र गति की क्रियाविधि, रंध्र गति की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। देखो बेटा रंध्र गति किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, स्टोमेटल मूवमेंट का क्या तात्पर्य है, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया किसकी बेटा, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रंध्र गति या रंध्रीय गति कहते हैं। रंध्रों के खुलने व बंद होने, अब रंध्रों का जो खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं की दो स्थितियों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जो बेटा जो गार्ड सेल है, जो द्वार कोशिका है, यदि कैसी हैं, टर्जिड हैं, फूली हुई हैं, स्फीत हैं, कैसी हैं, स्फीत हैं, तो जो रंध्र होते हैं वो बेटा क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्लियर। और यदि मान लिया जो गार्ड सेल हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, सलथ हो जाती हैं, तो रंध्र क्या हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
और रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, रंध्रीय गति कहते हैं, रंध्र गति कहते हैं, स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। अब बेटा इसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए, किसकी, रंध्रीय गति की क्रियाविधि को समझाने के लिए अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। अपन अपने जो सिलेबस में तीन परिकल्पना है, कितनी परिकल्पना है पहले तीनों के नाम लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन अपन तीनों का क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जो पहली जो परिकल्पना है वो है मंड शर्करा परिकल्पना। क्या है बेटा, मंड शर्करा परिकल्पना, स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक बेटा, जो दूसरी परिकल्पना है वो है स्टीवर्ड परिकल्पना, है ना। स्टीवर्ड के द्वारा दी गई स्टीवर्ड या स्टीवर्ड परिकल्पना। और बेटा जो तीसरी परिकल्पना है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना या सिद्धांत, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये तीन परिकल्पनाएं दी गई, एक तो है मंड शर्करा परिकल्पना, दूसरी है स्टीवर्ड परिकल्पना और तीसरी है बेटा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना या सिद्धांत। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन वन बाई वन पढ़ेंगे इनके बारे में। हाँ बेटा, सबसे पहली परिकल्पना है वो है मंड शर्करा परिकल्पना। क्या है ये बेटा, जो मंड शर्करा परिकल्पना है वो 1923 में, कब, 1923 में जेडी सायरे के द्वारा 1923 में जेडी सायरे के द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा, जेडी सायरे के द्वारा प्रतिपादित की। देखो बेटा ये सिद्धांत या ये परिकल्पना क्या कहती है, देखो इस परिकल्पना के अनुसार दिन में या दिन के समय, और दिन के समय बेटा क्या होता है, प्रकाश उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, प्रकाश उपस्थित होता है, और दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की जो मात्रा है, CO2 की मात्रा कम हो जाती है। दिन के समय प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और CO2 की मात्रा कम होने से pH मान बढ़ जाता है, pH मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब pH मान के बढ़ने से क्या होता है बेटा, pH मान के बढ़ने से जो द्वार कोशिका होती हैं, जो गार्ड सेल होती हैं, उसमें एक एंजाइम होता है, क्या होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम, क्या होता है बेटा, फास्फोराइलेज एंजाइम होता है।
पीएच मान के बढ़ने से जो द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, ये बेटा क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो गया। क्या हो गया, दिन के समय प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पीएच का मान बढ़ जाता है, और पीएच मान के बढ़ने से द्वार कोशिकाओं में जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है बेटा, सक्रिय हो जाता है। अब ये फास्फोराइल एंजाइम जब सक्रिय होता है या सक्रिय हो जाता है, चलो उधर बना देता हूं, जब सक्रिय हो जाता है तो बेटा क्या होता है, जो स्टार्च होता है, क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, जो स्टार्च है फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो गार्ड सेल होती हैं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनका जो डीपीडी का मान है, डीपीडी का मान बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, डीपीडी का मान बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब डीपीडी का मान द्वार कोशिकाओं का बढ़ जाता है तो द्वार कोशिकाएं बेटा क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। और जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तो आपको पता है क्या होगा, अभी बताया मैंने, द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने से रंध्र खुल जाते हैं। ठीक ठीक है बेटा, दोबारा से समझा दूंगा, एक बार इसका बंद होने की प्रक्रिया और समझ लेते हैं। अब देखो ये तो प्रक्रिया हुई बेटा कब, रात के सॉरी दिन के समय। अब बात करें अपन अंधेरे में, अंधेरे में अर्थात कब, रात में प्रकाश की अनुपस्थिति में। इसमें बेटा सब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। देखो अंधेरे में क्या होगा, जो गार्ड सेल हैं, जो द्वार कोशिका हैं, उनमें CO2 की मात्रा में क्या होगी, यहां पर क्या होती है बेटा, कमी, यहां पर क्या होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। और CO2 की वृद्धि होने से pH मान, जो पीएच मान है वो बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो गया, पीएच मान क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो क्या होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। और फास्फोराइलेज एंजाइम जब निष्क्रिय हो जाता है तो बेटा जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है, जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अब स्टार्च में जब परिवर्तित हो गया तो गार्ड सेल की जो डीपीडी है वो बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सलत हो जाती हैं, और कोशिकाओं के सलत होने से जो रंध्र होते हैं क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर, चलो मैं दोबारा से बताता हूं, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को अपन रंध्रीय गति कहते हैं, स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके परिपेक्ष में, इसके संदर्भ में रंध्रीय गति को समझाने के लिए अनेक परिकल्पनाएं सिद्धांत प्रतिपादित की गई, जिनमें अपन यहाँ पर तीन सिद्धांत या परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली परिकल्पना है मंड सरकरा परिकल्पना, स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस। और ये जो परिकल्पना है वो बेटा किसके द्वारा, जेडी सायरे के द्वारा, किसके द्वारा, जेडी सायरे के द्वारा प्रतिपादित
की गई। इसका जो समर्थन है बेटा, इसका जो समर्थन है वो लॉयड के द्वारा भी किया गया। किसके द्वारा? है ना, जेडी सायरी की परिकल्पना का जो समर्थन है वो लॉयड के द्वारा भी किया गया था। 1923 में ये जेडी सायरी के द्वारा प्रतिपादित की गई। अकॉर्डिंग टू जेडी सायरी ने बताया कि प्रकाश में अर्थात दिन के समय द्वार कोशिकाओं में बेटा किसकी मात्रा, जो CO2 की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब CO2 की मात्रा के कम होने से जो pH मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। pH मान के बढ़ने से द्वार कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो गया बेटा, सक्रिय हो गया। और ये फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, शर्करा में, किसमें बेटा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बन जाता है तो द्वार कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है, कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, और कोशिकाओं के स्फीत होने से जो रंध्र होते हैं वो बेटा क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्लियर? अब सुनो, ये तो रंध्र खुल गए, अब बंद कैसे होते हैं साहब? अब क्या होगा, दिन के समय आपको पता है रात, दिन के बाद रात आती है, आती है नहीं आती, अर्थात अंधेरे में रात में जो द्वार कोशिका है उनमें CO2 की मात्रा में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। क्या होती है? CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे pH का मान क्या होता है, यहाँ पर CO2 की वृद्धि हुई, pH मान क्या हो गया बेटा, कम हो गया। जब pH मान कम हो जाता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, और जब फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा, स्टार्च में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जब ये स्टार्च में परिवर्तित हो गया तो डीपीडी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीपीडी का मान, मिश्रण दाब न्यूनता का मान कम हो जाएगा, और जो कोशिका है वो पिचक जाएंगी, अर्थात कैसी हो जाएंगी बेटा, सलत हो जाती हैं, और सलत होने से जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। ठीक है, ले लिया, चलो मैं मिटाता हूं इसको। मंड सरगरा परिकल्पना का समर्थन किसके द्वारा किया गया बेटा, लॉयड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, जेडी सायरे के द्वारा प्रतिपादित की गई। दूसरी परिकल्पना है स्टीवर्ड या स्टीवर्ड परिकल्पना। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस देखो बेटा, जो स्टीवर्ड ने जो जेडी सायरी की परिकल्पना थी, कौन सी परिकल्पना, जेडी सायरी की परिकल्पना, और जेडी सायरी ने कौन सी दी थी बेटा, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस परिकल्पना दी। क्लियर? स्टीवर्ड ने जेडी सायरी की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया। लो ऐसे लिख देता हूं, जेडी सायरी की परिकल्पना को क्या किया बेटा, आगे बढ़ाया। और बताया कि क्या बताया, कि उच्च पीएच में ना, वही दिन रात का बात है ना बेटा, जो उच्च पीएच कब होगी,
जब CO2 की मात्रा में क्या होगी बेटा, CO2 का मान क्या होगा, कम होगा। और CO2 का मान कब कब होता है, दिन के समय होता है, प्रकाश के समय होता है, किसके समय होता है, प्रकाश के समय होता है, उच्च pH मान पर। किस पर बेटा, उच्च pH मान पर आपको पता है फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है। और फास्फोराइलेज एंजाइम जब सक्रिय होता है तो स्टार्च किसमें परिवर्तित होगा, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। किसमें परिवर्तित होता है बेटा, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। और ये जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अंत में किस में बेटा, ग्लूकोज में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्लियर, परिकल्पना वही है जेडी सायरे की, यहां तक तो जेडी सायरे की है, लेकिन उससे आगे किसने बताया, स्टीवर्ड ने बताया। किसने बताया बेटा, स्टीवर्ड ने। तो उच्च पीएच मान पर फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है, जिसके कारण जो स्टार्च है वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में, और ग्लूकोज वन फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किसमें परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब सुनो, एक तो बेटा इन दोनों की बात करें और एक अपन इसकी बात करें, ग्लूकोज वन फॉस्फेट की और बेटा एक इसकी, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और ग्लूकोज के बारे में। ठीक है बेटा, अब इनमें से जल में अधिक विलयशील कौन होता है। देखो बेटा, इसकी तुलना में ये दोनों जल में क्या होते हैं, अधिक विलयशील होते हैं, अधिक विलयशील होते हैं। किसकी तुलना में, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट व ग्लूकोज, ग्लूकोज वन फॉस्फेट की तुलना में जल में क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं, अधिक विलयशील होते हैं, है ना। अब जब अधिक विलयशील होंगे, विलय हो गए, तो बेटा आपको पता है कि ये किस में पहुंचते हैं, द्वार कोशिकाओं में, गार्ड सेल में पहुंचते हैं। और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सांद्रता में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। जब द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में वृद्धि होगी तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं बेटा क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और द्वार कोशिकाओं के फूलने से जो रंध्र होते हैं खुल जाते हैं। रंध्र होते हैं वो बेटा क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक, समझ में आया। स्टीवर्ड परिकल्पना ये कहती है कि उच्च पीएच पर जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज वन फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, और अंत में ग्लूकोज में। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट व ग्लूकोज, ग्लूकोज वन फॉस्फेट की तुलना में अधिक विलयशील या घुलनशील होता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में वृद्धि होती है। बेटा जब सांद्रताओं में वृद्धि होगी तो बाहर की ओर खिंचाव होता है, और जो द्वार कोशिकाएं जब बाहर की ओर खिंचाव होता है, है ना, स्फीत होने से जब बाहर की ओर खिंचाव होता है तो रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, और इसका जो जस्ट अपोजिट है, जिसके कारण क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। लेकिन बेटा रंध्रों के बंद होने के समय, किसके रंध्रों के बंद होने के समय एटीपी की आवश्यकता होती है।
ना एटीपी के रूप में किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, किस परिकल्पना के अनुसार, स्टीवर्ड परिकल्पना के अनुसार। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि आपको रंध्र की संरचना और रंध्र गति की क्रियाविधि के दो परिकल्पना अपन ने पढ़ी, तीसरी परिकल्पना अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे तो वो थोड़ी बड़ी है। तो पहली परिकल्पना मैंने आपको ना स्टार्च शर्करा परिकल्पना जो जेडी सायरे के द्वारा दी गई, दूसरी परिकल्पना स्टीवर्ड परिकल्पना, इन्होंने जेडी सायरे की परिकल्पना को क्या किया बेटा, आगे बढ़ाया। लेकिन ये दोनों मान्य नहीं है, जो अगली वाली है वो क्या है, सर्वमान्य है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछी जाती है। ठीक है, अगली जो परिकल्पना पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है बेटा, थैंक यू।